पास्ता बनाएंगे, वाइट सॉस पास्ता, बाहर जैसा एकदम। पहले पास्ता को बॉईल करना है, नमक डाल के बॉईल करना है। आप पास्ता उबालते टाइम ऑयल भी डाल सकते हैं थोड़ा सा, इससे पास्ता ना चिपकता नहीं है, एकदम खिला खिला बॉईल होता है। अब एक पैन में हम बटर डालेंगे, बटर भी उतना ही डालना है जितना आप मैदा डालेंगे। इससे जो वाइट सॉस है बहुत अच्छी बनेगी आपकी। दोनों को मिक्स करेंगे। अभी जब तक हमें इसको मिक्स करना है जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाएगा। जैसे ही कलर चेंज होगा हम इसमें दूध डालेंगे, कच्चा दूध। अब दूध को हम जब तक हम इसको मिलाएंगे जब तक इसके बबल्स कम नहीं हो जाएंगे, ये थिक नहीं हो जाएगी। और जब तक हम ना चलाते ही रहेंगे इसको, बबल्स नहीं आने चाहिए इसमें। हमारी सॉस रेडी है। अब एक पैन में मैंने बटर ले लिया। अब इसमें वेजीज को रोस्ट कर लिया, एकदम नॉर्मल तरीके से ब्राउन से फ्राई कर लिया। अब वाइट सॉस मेरी रेडी हो चुकी है, उसमें डालेंगे चिल्ली फ्लेक्स और ओरिगैनो, दोनों को मिक्स करेंगे। अब ऊपर से जो वेजीज थी मैंने वो डाल दी। अब आप भी डाल दो उस वेजीज को। अब मैंने दी स्वीट कॉर्न, स्वीट कॉर्न भी ऊपर से डाल दिया। अब पास्ता बॉईल हुआ डाला मैंने इसमें। पास्ते को ना मिक्स करेंगे तीनों को अच्छी तरीके से, अच्छे से मिक्स कर लेंगे तीनों को। रेडी है हमारा पास्ता। अब इसमें ना मोजरेला चीज़ ना ऑप्शनल होती है, चीज़ी पास्ता पसंद होता है तो उसमें चीज़ी पास्ते में चीज़ डलती है। अब चीज़ रेडी है। जिस इसको पास्ता पसंद है ना एक बार कमेंट्स में ये इमोजी सेंड कर दो यार, तभी मज़ा आएगा। मैं भी तो देखूँ किसको पसंद है पास्ता, मुझे तो बहुत पसंद है। टेस्ट करते हैं यार, बहुत अच्छा लग रहा है। सब्सक्राइब करो चैनल को, फॉलो करो, कमेंट्स करो। बाय।